आगामी जो परीक्षा होने वाली 2019 में, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरुआत करता हूँ, जलवायु से क्या आश्रय है? कोपेन के अनुसार विश्व की जलवायु का प्रादेशिक वर्गीकरण किस प्रकार से है? और ये ऐसे भी आता है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण की योजना का वर्णन कीजिए। और शुरुआत करता हूँ, कोपेन प्रस्तावना। कोपेन ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध जलवायुविद वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने तापमान तथा वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर 1918 में जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। स्टूडेंट बताना चाहूँगा कि जलवायु वर्गीकरण है, शुरुआत में वो यूनानी ने चालू किया था। उन्होंने तीन आधार बांटा था। पहला था उष्ण, दूसरा शीतोष और तीसरा शीतोषण। अब तीन भागों में बांटा था, मुख्य तापमान के आधार पे ये बांटा था यूनानी में पहले। और उसके बाद धीरे 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 विकास होता रहा, और फिर कोपेन ने उसी खाई उन्हीं का जलवायु वर्गीकरण अपना लिया। और फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कि जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, विशेषकर एक जलवायु हर जगह एक विशेष क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है, फिर ये जलवायु कहीं और पाई जाती है, और एक बड़ा महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये सारा कुछ कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में बताया है। 1931 में उन्होंने इसका संशोधन रूप से अपनी पुस्तक यूरोडिलिस डर किल्मनी कुंडी में प्रकाशित किया था। कोपेन के मूल वर्गीकरण का अंतिम संशोधन रूप 1953 में प्रकाशित हुआ, जो कोपेन गीगर पाल के वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। कोपेन का वर्गीकरण मात्रात्मक और अनुभव, इन्होंने अपनी जलवायु वर्गीकरण की सीमाएं वनस्पति को ध्यान में रखकर बनाई थी, वनस्पति वर्गीकरण की योजना। कोपेन ने कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के पांच वनस्पति मंडलों में मेगाथर्मल, जेराफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल तथा हेक्सोथर्मल के आधार पर विश्व की जलवायु को पांच प्रमुखों में विभक्त किया, जिनका नामकरण ए, बी, सी, डी और ई अक्षरों से लिया है। इनमें प्रत्येक अक्षर का निम्न अर्थ है। पहला है ए, शीत ऋतु रहित उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। फिर है बी, शुष्क जलवायु। सी, सामान्य शीत ऋतु युक्त मध्य अक्षांशी आर्द्र जलवायु। और डी, और स्टूडेंट इसमें कुछ एक सही ढंग से नहीं आई, तो जो है ई है वो है टुंड्रा जलवायु, और एच है पर्वतीय जलवायु। इस प्रकार से इन्होंने ए बी सी डी ई सी डी एच तक बांटा है। इन अक्षरों के अलावा कुछ अन्य अक्षरों वर्णमाला का भी प्रयोग किया है, जो कि वर्षा की अवधि को इंगित करते हैं। जैसे एफ है, स्मॉल एफ है, वर्षा वर्ष भर होती है। एस है ग्रीष्मकाल शुष्क है। फिर डब्ल्यू है शीतकाल शुष्क है। एस कैपिटल है अर्ध शुष्क है, स्टेपी जलवायु है। डब्ल्यू है इसका शुष्क जलवायु। और स्टूडेंट इसमें एक और है, वो है मरुस्थलीय जलवायु भी कहते हैं इसको। और जो एम है स्मॉल है में वो मानसून जलवायु है। कुछ इस प्रकार से इन्होंने छोटे अक्षर बांटे हैं। फिर कोपेन ने पांच प्रमुख जलवायु प्रमुखों को कई उपभागों में विभक्त किया है, जहां पर विभाजन का मुख्य आधार वर्षा के मौसमी वितरण से संबंधित दशाएं तथा शीत और शुष्कता की प्रकृति है। इस तरह कोपेन ने विश्व जलवायु को पांच प्रमुख समूह या 11 जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है। अब शुरुआत कर रहे हैं शुरू से अल्फाबेटिक। जैसे ए है, ए जलवायु में है, उससे कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जहां पर वर्ष के प्रत्येक महीने में तापमान 18 से अधिक रहता है। इस जलवायु में शीत ऋतु का अभाव होता है और यहाँ वर्ष भर अधिक वर्षा होती है। वर्षा ताप तथा शुष्कता के आधार पर इसके तीन उपविभाग हैं। पहला है एएफ, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जहां पर वर्ष भर वर्षा हो, वार्षिक तापांतर बिल्कुल नहीं होता है तथा शुष्कता का अभाव है। इसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका
का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह व फिलीपींस सम्मिलित आते हैं देश। फिर दूसरा है MAM, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा वन, इसे मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। यहाँ पर वर्षा की अधिकता होने के कारण वन भी अधिक मिलते हैं। यहाँ एक लघु शुष्क ऋतु पाई जाती है। इसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्व एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, हिंद चीन, हिंदेशिया आदि देश आते हैं। AW, उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु, इसे उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु भी कहते हैं। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। यहाँ पर ग्रीष्म काल में वर्षा तथा शीतकाल में शुष्क रहता है। इसके अंतर्गत सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। विशेषकर ये जलवायु पाई जाती है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला, कोलंबिया, गयाना, दक्षिण मध्य ब्राजील, पराग्वे, अफ्रीका में सूडान तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ये जलवायु पाई जाती है। अब स्टूडेंट बी अल्फाबेट आ गया, बी में क्या है, शुष्क जलवायु। जितने भी आएंगे विशेषकर इसमें क्या है, जलवायु शुष्क रहेगी विशेषकर, और मरुस्थल आते हैं इसमें और स्टेपी प्रदेश आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, इसमें वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। वर्षा के अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, तभी तो मरुस्थलीय जलवायु है। अतः यहाँ अतिरिक्त जल की कमी रहती है। तापमान तथा वर्षा के कारण इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है BS, BS मतलब BS, और ये दो प्रकार बांटी, स्टेपी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। पहला है BS स्टेपी प्रदेश, यहाँ वर्षा की मात्रा शुष्क घास के लिए उपयुक्त रहती है। और दूसरा है BW, मरुस्थलीय प्रदेश में यहाँ वर्षा की मात्रा वनस्पति के लिए अपर्याप्त होती है। ये स्टेपी तथा मरुस्थलीय जलवायु को तापमान के आधार पर दो उपभागों में बांटा है। अब स्टूडेंट अब इसमें आए जो दो भागों में बांटा था उसके भी भाग कर दिए। BSK, स्टूडेंट जो के है ये स्मॉल के है, उस शीत स्टेपी जलवायु 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिण व उत्तरी अक्षांश में महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में इन प्रदेशों का विस्तार है। एशिया कैस्पियन सागर से रूसी तुर्किस्तान की सीमा तथा यूरोप में रूस के दक्षिणी पूर्वी भाग ड्यूनेव घाटी, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी बेसिन, ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन तथा अफ्रीका में वेल्ड प्रदेश। अब इसी का दूसरा भाग है स्टूडेंट BSH, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, विशेषकर ये उष्ण भागों में पाई जाती है, जो घास जो पाई जाती है विशेषकर, जहाँ विशेषकर जलवायु पाई जाती है वो गर्मी वाली है, जो उष्ण जलवायु जिनकी ऊंचाई काफ़ी कम होती है इन घासों की। अब इसी में है BWH, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, यह जलवायु 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इसका विस्तार एशिया के थार, सिंध, दक्षिण बलूचिस्तान, अफ्रीका के सहारा, कालाहारी, दक्षिण अमेरिका के अटाकामा मरुस्थल, पेरू चिली, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा मेक्सिको और दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जलवायु पाई जाती है। स्टूडेंट अब आगे चौथा है, इसी में अब कौन से ये मरुस्थल हैं, वो अब ये मरुस्थल आगे ठंडे वाले हैं, पहले थे गर्म वाले, अब ठंडे वाले आगे, इसे इसको डिनोट किया है BW। स्टूडेंट कैपिटल डब्ल्यू है शीत कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, इस प्रकार की जलवायु महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है जो सागरीय प्रभाव से वंचित रहते हैं। पश्चिम एशिया में अनातोलिया का पठार, मध्यवर्ती ईरान में मेसोपोटामिया, मध्य एशिया में तारिम बेसिन, गोबी का मरुस्थल विशेषकर मंगोलिया में, जुगारिया, रूसी तुर्किस्तान आदि पर्वतों से घिरे बेसिनों में यह जलवायु पाई जाती है। स्टूडेंट आ गया सी अल्फाबेट आ गया, जिस प्रकार से कोपेन ने ABCD और ई और एच तरह बांटा है, अब सी आ गया। सी में क्या है विशेषकर देखोगे आप, उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, विशेषकर ये क्या है, इसको कहते हैं मध्यताप जलवायु कहते हैं।
उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, इसे समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री से कम व 3 डिग्री से अधिक होता है। यहाँ पर ग्रीष्म व शीत दोनों ऋतु पाई जाती हैं। शीत ऋतु कठोर नहीं होती। वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर 3 भागों में बांटा है इसे। पहला है CF, वर्षा लगातार, मतलब साल में कहीं कोई कोई ना कोई महीने में वर्षा हो जा रही है, और जिसमें कौन से देश सम्मिलित हैं, कौन से स्थान है, पश्चिमी यूरोप, इसे जो इसका नाम दिया है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु कहा है। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है और इन दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच ये जलवायु पाई जाती है। विशेषकर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पे, पश्चिमी जिसमें पश्चिमी यूरोप है, ब्रिटिश कोलंबिया है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण चिली है, ये देश आते हैं। अब इसी का दूसरा भाग है मध्यतापीय का CW। ये स्टूडेंट स्मॉल W है, एक कैपिटल W था वो मर्सिलिस था। अब ये W क्या है, ये है कि विंटर यानी सर्दियाँ शुष्क रहती है लेकिन वर्षा होती है गर्मियों में। ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है, इसे कहते हैं चीनी तुल्य जलवायु। इस जलवायु का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी मध्यवर्ती चीन है, दक्षिण पूर्व अमेरिका है, ब्राजील है, उरुग्वे है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण पूर्व भाग है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्व भाग है। अब तीसरी है CS, जिसे विशेषकर भूमध्य सागर जलवायु भी कहते हैं। शीतकाल में अधिक वर्षा होती है, इसे कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। इसका विस्तार क्या है, 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागर तटीय भागों में ये पाई जाती जलवायु, जिसमें फ्रांस है, दक्षिण इटली है, ग्रीक है, पश्चिमी टर्की है, सीरिया है, पश्चिमी इजराइल है, अल्जीरिया है, उत्तरी अमेरिका के में कैलिफोर्निया है के तटीय भाग, दक्षिण अमेरिका में मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिम भाग, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत ये सम्मिलित है। भूमध्य सागर तट पर इसका सर्वाधिक विस्तार होने के कारण इसका नामकरण भूमध्य सागर के नाम से ही रखा गया है। अब चौथा है D। D क्या है, इसे आप स्टूडेंट कह सकते हो सिंपली भाषा में कि अल्प तापीय जलवायु कह सकते हैं। विशेषकर यह है शीतोष्ण जलवायु। इस जलवायु में सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री से कम होता है तथा सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री से अधिक होता है। यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं स्टूडेंट, कोणधारी वन ऐसे होते हैं, आपने देखा होंगे कई बार फोटो में देखे होंगे, लगातार जब अखबार में फोटो आती है वर्षा मतलब हिमपात अधिक हो जाता है तो किस इस प्रकार से आपको इस बर्फ जमी रहती है, कोणधारी वन ऐसे कहते हैं विशेषकर। अब इसके भी दो भाग कर दिए, उपभाग कर दिए। पहला है DF, वर्ष पर्यंत वर्षा, मतलब प्रत्येक महीने में कुछ ना कुछ छींटे या बारिश हो रही है। शीत पूर्वी तटीय जलवायु या सेंट लॉरेंस, इस जलवायु का विस्तार 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, जितने भी महाद्वीप है उनकी जो जलवायु ये वहाँ पाई जाती है जहाँ पूर्वी भाग है तट पर पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र के USA के उत्तर पूर्वी न्यू इंग्लैंड सेंट लॉरेंस की घाटी। स्टूडेंट आप आएंगे DF, विशेषकर यह है अल्पतापीय जलवायु में पहला भाग है वर्ष पर्यंत वर्षा, मतलब लगातार हरेक महीने कुछ ना कुछ चीटे या वर्षा हो रही है। शीत पूर्वी तटीय जलवायु या सेंट लॉरेंस, इस जलवायु का विस्तार 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर होती है। ये जलवायु पाई जाती है विशेषकर महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों पर, और इसमें जो क्षेत्र आते हैं विशेषकर वह है USA के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उसमें है न्यू इंग्लैंड एवं सेंट लॉरेंस की घाटी, फिर उत्तरी चीन में विशेषकर मंचूरिया, उत्तरी जापान में और कोरिया आदि जो क्षेत्र हैं वो आते हैं DF में विशेषकर जलवायु में आते हैं। फिर है DW, ग्रीष्मकाल में वर्षा शीत ऋतु में शुष्क, यह जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, और उसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है उत्तरी अमेरिका में अलास्का के न्यूफाउंडलैंड और
यूरेशिया में नॉर्वे से कर्मचटका तक। पांच जलवायु है ई, धुरी जलवायु कह दो या टुंड्रा जलवायु कह दो। ईटी टुंड्रा तुल्य जलवायु, इसके भी दो भाग है। ईटी मतलब ई तो मतलब ध्रुवीय, ई टी में टुंड्रा, टुंड्रा तुल्य जलवायु। यह जलवायु आर्कटिक महासागर के तटीय पट्टियों में तट के समीपवर्ती द्वीपों में विशेषकर आइसलैंड ग्रीनलैंड के तटवर्तीय क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका व यूरेशिया में 70 डिग्री अक्षांशों के उत्तर में पाई जाती है। इसमें ग्रीष्मकालीन तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य रहता है। अब इसी का दूसरा भाग है ईएफ हिमाचित जलवायु। यहाँ ग्रीष्मकालीन तापमान 0 डिग्री से कम रहता है। यहाँ पर वर्ष भर वर्षा नाक बराबर होती है और जमी बर्फ पूरा जो धरातल है विशेषकर वो बर्फ से जमा रहता है। और ये जलवायु पाई जाती है आर्कटिक ग्रीनलैंड आइसलैंड के आंतरिक भागों में आर्कटिक महासागर से ध्रुवों के समीप स्थित कुछ द्वीपों में ये जलवायु पाई जाती है। स्टूडेंट जलवायु विशेष क्या है कि जलवायु का आश्रय क्या है, जलवायु क्या है, जल प्लस जैसे जल प्लस वायु दोनों के जो भौतिक गुण है आपको इतना मैं बताना चाहूँगा कि जल का विशेष गुण क्या है कि देश ठंडा होता है देश से गर्म होता है। उसी प्रकार से वायु देखेंगे कि वायु का प्रभाव पड़ता है वायु। अब तीन देखेंगे अपन, तापमान प्लस वायुदाब फिर पवन। अब तीनों किस प्रकार से हैं? अब होता क्या है कि तापमान जब विचलित होता है मतलब कभी बढ़ता है घटता है तो वायुदाब फर्क पड़ता है और वायुदाब से पवन में फर्क पड़ता है। किस प्रकार से, मान लीजिए तापमान बढ़ रहा है, बढ़ रहा मतलब प्लस में, तो वायुदाब न्यून हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर तापमान कम है तो वायुदाब अधिक हो जाएगा। लेकिन पवनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो पड़ेगा वायुदाब का कि पवन चलती है उच्च दाब से निम्न दाब, उपदाब से निम्न दाब चलती है। तो जाहिर सी बात है अगर तापमान विचलित होता है इन दोनों के साथ बिगड़ता है तापमान वायुदाब का हिसाब दोनों का अगर सही रहता है या बिगड़ जाता है तो पवन में बहुत फर्क पड़ता है। तो इसी प्रकार से तीनों एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। अब शुरू करेंगे जलवायु है क्या। प्रस्तावना में देखिए, जलवायु भौतिक पर्यावरण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। भूतल पर निवास करने वाले मानव के जीवन पर भौतिक पर्यावरण के जिन अंगों का प्रभाव पड़ता है उनमें जलवायु विशेष है। जलवायु स्थान विशेष मौसम की औसत दशा को कहते हैं। जलवायु में एक विस्तृत क्षेत्र में दीर्घकाल की वायुमंडलीय अवस्थाओं का विवरण होता है। अतः मौसम की तुलना जलवायु अतः मौसम की तुलना में जलवायु शब्द का अर्थ व्यापक है। कहने मतलब क्या है कि जो आपकी जलवायु है वो है दीर्घकालीन और जो मौसम है वो है अल्पकालीन। मतलब कुछ लंबे समय तक जो रहती हैं मौसम दशाएं लाभ काफी दीर्घकाल तक वो जलवायु जाती हैं और मौसम कुछ समय के लिए अल्पकालीन होता है। कुछ समय के लिए मौसम दशाएं रहती हैं तो वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। फिर है जलवायु की परिभाषा दिए विभिन्न भूगोल वेताओं ने दिए किस प्रकार दिए। अब माओ हाउस ने किस दिए, जलवायु वस्तुतः किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के विवरण को सम्मिलित करती है। फिर एक और जलवायु वेता है उन्होंने कहा है क्रिचफील्ड ने, पृथ्वी और वायुमंडल के बीच लंबी अवधि तक ऊर्जा व द्रव्यमान के विनिमय की प्रक्रियाओं से उत्पन्न दशाओं को जलवायु कहते हैं। फिर एक और है इसमें सामान्य भाषा क्या है, जो सामान्य परिभाषा कौन सी हो सकती है। किस जलवायु विज्ञान अर्थात क्लाइमेटोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों का मेल है क्लाइमो प्लस लागोस, इससे मिलकर बना है जिससे पहले शब्द का अर्थ है पृथ्वी का ढाल तथा दूसरे शब्द का अर्थ है अध्ययन।
यहाँ पृथ्वी का ढाल वस्तुतः विभिन्न अक्षांशों का घोतक है, मतलब जो ढाल है विभिन्न प्रकार का बताया है, जो जलवायु को में जो बताया है ढाल, वो विशेषकर अक्षांशों के आधार पर बताया है कि किस प्रकार की अक्षांश है। अब है कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का सामान्य देखो भाषा में उसने कैसे बांटा है, देखो उसने ए बी सी डी ई इन भागों में बांटा है। ए मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु, सी मतलब मध्य तापीय, डी मतलब अल्प तापीय, और ई मतलब टुंडा जलवायु, और एच मतलब पर्वतीय। अब देखो उसके आपके सीधे हाथ पे है एक और है छोटे अल्फाबेट, विशेषकर एफ मतलब बहत्तर वर्षा, एस मतलब ग्रीष्मकाल शुष्क है। अब एस मतलब क्या है, समर, याद करने का तरीका है समर, एस मतलब समर मध्य। अब होता क्या है कि अगर देखा जाए तो दो ऋतु मान लेते हैं अपन, गर्मी और सर्दी। जाहिर सी बात है अगर सर्दी में वर्षा नहीं हो रही तो वर्षा हो रही है गर्मी में, अगर गर्मी में वर्षा नहीं हो रही तो वर्षा हो रही सर्दियों में, तो ऐसा मान लेते हैं। तो उसी प्रकार से एस मतलब स्मॉल एस मतलब ग्रीष्म काल में शुष्क है। इसके प्रकार से डब्लू है जिसे विंटर कहा है मैंने, विशेषकर विंटर मतलब सर्दियों में शुष्क है, तो वर्षा जो हो रही है वो गर्मियों हो रही है। फिर कैपिटल एस अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, स्टेपी स्टूडेंट एक घास है, विशेषकर घास के मैदान है। डब्ल्यू जो कैपिटल देखोगे आप वो विशेषकर सिर्फ मरुस्थलीय जलवायु और शुष्क जलवायु में मिलेगा आपको। अब जो के है स्मॉल के वो ठंडा है, वो ठंडा है, और जो एच है वो गर्म है। अब इसी प्रकार शुरू करते हैं सामान्य भाषा में देखते हैं। एच उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में देखेंगे ए एफ कैसे बना है, ए प्लस एफ मतलब उष्णकटिबंधीय मतलब तो जलवायु है ए, लेकिन उसमें क्या हो रहा है वर्ष पर वर्षा अधिक हो रही है, लगभग 250 सेमी से अधिक वर्षा हो रही है। फिर दूसरा है ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू मतलब ए प्लस डब्ल्यू। अब इसमें क्या है दोनों स्पष्ट ऋतु है, गर्मी और सर्दी दोनों स्पष्ट ऋतु पाई जाएगी, उस प्रकार से इसको कहते हैं समान तुल्य जलवायु। उसके बाद ए, ए प्लस एम, एम मतलब मानसून जलवायु आपको पता है, और ए मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु। उसी से देखोगे जितने भी ए अल्फाबेट है तो आपको पता लग रहा है कि ये जलवायु विशेषकर उष्ण कटिबंधीय है। वो अलग बात है कि एफ आ गया तो वर्षा अधिक हो रही है, डब्ल्यू आ गया तो दोनों स्पष्ट ऋतु है, और एम आ गया तो मतलब विशेषकर मानसून ऋतु है, मानसूनी जलवायु जो विशेषकर 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में पाई जाती है। अब स्टूडेंट आ जाओ बी पे, बी अल्फाबेट पे, बी शुष्क जलवायु विशेषकर। अब सी शुष्क जलवायु क्या है, इसमें कैसे बनाए, पहला बी एस और एच, बी प्लस प्लस के, अब तीनों में है, बी मतलब शुष्क जलवायु है ठीक है, उसके बाद एस तो आप जानते हो स्टेपी जलवायु सा है, स्टेपी घास सा है, और के है मतलब कूल, मतलब विशेषकर ये जो जो घास है वो पाई जाएगी ठंडे वाले इलाकों में, तो जलवायु वहीं पाई जाएगी जहाँ जहाँ विशेषकर जो घास उगती है लेकिन वहाँ की जलवायु ठंडी है। अब फिर आ जाओ बी एस एच, अब बी एस और एच, अब तीनों देखोगे बी शुष्क जलवायु है, एस स्टेपी घास की, और एच मतलब गर्म। अब ऐसी घासें आ गई जो गर्म क्षेत्र में, मतलब वो क्षेत्र की जलवायु, मतलब वहाँ जो घास पाई जा रही है या जो स्टेपी प्रकार की घास है वो गर्म जलवायु में पाई जा रही है। उसी प्रकार से फिर तीसरा देखेंगे बी कैपिटल डब्ल्यू एच, अब इसमें क्या है बी प्लस डब्ल्यू जो कैपिटल है प्लस एच, अब तीनों में क्या है बी मतलब शुष्क जलवायु आपको पता ही है, बी का मतलब, डब्ल्यू मतलब मरुस्थल जलवायु है, लेकिन कौन से, वो गर्म वाले मरुस्थल है। इसी प्रकार से दूसरा है शुष्क जलवायु, बी तो है डब्ल्यू कैपिटल मरुस्थल जलवायु, लेकिन कौन से है ठंडे वाले मरुस्थल है, विशेषकर जो गोभी मरुस्थल आते हैं ठंडे में आते हैं, जो आंतरिक भाग में मध्य अक्षांशों के जो आंतरिक भाग में विशेषकर वो ठंडे मरुस्थल क्षेत्र आते हैं। अब स्टूडेंट तीसरा आ जाओ, तीसरे में क्या है सी मध्य तापीय, मतलब मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु, विशेषकर जो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं। अब ये देखो सी प्लस एफ मतलब मध्य तापीय, सी तो है लेकिन वर्षा अधिक हो रही है, एफ मतलब अधिक वर्षा, तो इसको कहते हैं पश्चिमी यूरोप तुल्य, विशेषकर ऐसा क्षेत्र जो यूरोप के आसपास है, लेकिन ये यूरोप के अलावा और जगह पाया जाता है, लेकिन विशेषकर जो यूरोप है यूरोप का भाग अधिक है इस जलवायु में, इसलिए इसके इसी नाम से इसे रख दिया, इसका नाम यूरोप के लिए जलवायु। अब दूसरा है C प्लस W, अब स्मॉल डब्ल्यू है मध्य तापीय, इसमें क्या है W मतलब आपको पता था मतलब विंटर, मतलब विंटर मतलब सर्दियाँ, तो सर्दियाँ शुष्क हैं तो वर्षा कब हो रही है गर्मी वर्षा हो रही है। इसी प्रकार से
इस क्षेत्र में स्पर्श ऋतु पाई जाएगी, अधिक गर्मी पाई जाएगी, अधिक सर्दी पाई जाएगी। वैसे देखा जाएगा कि सर्दी और गर्मी में मतलब एक ऋतु स्पष्ट होगी दोनों की, मतलब एक लंबा गैप होगा दोनों में और ऋतु दोनों स्पष्ट होगी। फिर है चीन तुली जलवायु, इसे कहते हैं सी प्लस डब्ल्यू को। फिर है सी एस, सी मतलब महतापी आपको पता ही है, और एस का मतलब कि एस मतलब समर, समर मतलब गर्मियां, गर्मियां शुष्क है तो वर्षा कब हो रही है, शीतकाल में, इसलिए कहते हैं उसको भूमध्य सागरीय जलवायु। अब स्टूडेंट चौथा आ गया डी सेक्शन आपका, जो डी अल्फाबेट है, शीत शीतोष्ण जलवायु, इसे अल्पतापीय भी कहते हैं। अल्पतापीय क्यों, क्योंकि जैसा भूमध्य सागर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हो तो तापमान में अंतर आया जा रहा है, जो प्रभाव है वो शीत का प्रभाव बढ़ रहा है और जो उष्ण का प्रभाव कम हो रहा है। तो पहला है डी एफ, डी एफ कैसे बना है, डी मतलब अल्पतापीय आपको पता है और एफ मतलब वर्षा अधिक हो रही है, हर एक महीने वर्षा हो रही है, कुछ ना कुछ फुहारे में हो रही है, कोई हिमपात में हो रही है, कुछ ना मतलब फुहारों में हो रही है या हिमपात में हो रही है, इसको कहते हैं सेंट लॉरेंस जलवायु, जो विशेषकर यूएसए में है। फिर दूसरा है डी डब्ल्यू, डी मतलब विशेषकर अल्पतापी है और डब्ल्यू है वो है आपका शीत में शुष्क, यानी विंटर मतलब शीत में शुष्क है, विंटर में शुष्क है, तो जो वर्षा कब होगी वो गर्मी होगी, विशेषकर अभी टेंगा जलवायु पाई जाती है और इसमें भी हल्की सी दोनों ही स्पर्श ऋतु पाई जाती है, गर्मी और लेकिन सर्दियाँ अधिक पाई जाती है, गर्मी होती है सर्दी अधिक पाई जाती है। अब ई ध्रुवीय जलवायु, ई टी मतलब ध्रुवीय जलवायु, मतलब ई मतलब ध्रुवीय जलवायु और टी मतलब टुंड्रा जलवायु। फिर ई एफ है ध्रुवीय जलवायु और एफ मतलब जमा दिया है भाई साहब बिल्कुल हिमाचल जलवायु। स्टूडेंट होपली आपको ये क्वेश्चन मेरे द्वारा समझ में आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। धन्यवाद।